स्वदेशी जागरण मंच का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय सदस्य हेमराज पठानिया के नेतृत्व में उपायुक्त मंडी से मिला और उपायुक्त मंडी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन द्वारा चीन से किसी भी प्रकार का व्यापार समझौता ना किए जाने की मांग की गई। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा उपायुक्त मंडी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हेमराज पठानिया ने बताया कि देश भर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आज इसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन के घटिया उत्पाद देश में बेचे जा रहे हैं और हमारे बच्चों को वे घटिया खिलौने बेचे जा रहे हैं, जो कि आर्थिक तौर पर हमारे देश को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के द्वारा प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया है कि चीन का कोई भी सामान भारतवर्ष में ना बिके और हमारे देश का स्वदेशी सामान ही यहाँ बिके, ताकि हमारे देश की करेंसी देश में ही रहे और किसी भी आर्थिक मंदी से ना गुजरना पड़े। आज हमने जिलाधीश उपायुक्त के माध्यम से आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो पूरे देश भर में स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान चला रखा था, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, इस कार्यक्रम का आज जो हस्ताक्षर अभियान हमने चला रखा था उसका आज समापन हुआ है। और हरेक जिला मुख्यालय खंड कार्यालय अधिकारियों के पास पूरे देश भर में जो है आज स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता ये ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी जो देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया है और कुछ विशेष बिंदु हैं जो जिसको मिलकर के, जैसे मंडी सदर में 60,000 लोगों ने जो है इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया है और हमारे कार्यकर्ता हजारों जो हमारे भाई बहन कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर के इस हस्ताक्षर अभियान को पूरा किया। रिपोर्ट के चैनल।